प्रदेश वासियों के लिए सीएम भूपेश बघेल की ओर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी जिले का दौरा किया और इसमें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने भटगांव में 134 करोड़ से ज्यादा 154 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही सीएम ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने जैसी कई घोषणाएं की है। इसी बीच बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी वर्गों की आय में वृद्धि हो, इसलिए सभी वर्गों के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। सभी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, इसकी हमें खुशी है। संस्कृति, खेलकूद, आदिवासियों की संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर करीब 12 बजे भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सबसे पहले अछोटा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने रीपा योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन कर महिला समूहों से चर्चा भी की। तो आगे सीएम ने क्या क्या घोषणाएं की है या फिर कहां कहां भूमि पूजन के साथ लोकार्पण किए हैं, आइए जानते हैं वीडियो में। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि नई सी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जिले के पहले वाईफाई जोन का शुभारंभ भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने हेलीकॉप्टर से ग्राम भटगांव पहुंचे और चंद्रमौली माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। साथ ही सीएम बघेल ने भटगांव में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक तौर पर सामग्री और चेक का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने 137 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 154 कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इसमें से 13,97,75,000 रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण और 123,63,22,000 रुपए के 126 कार्यों का शिलान्यास भी शामिल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और नई जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।